ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोगों को डाउट है? सबका हो गया 13 के फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है? यस सर। 2 में डाउट है, कितनों का हो गया? हो गया। ध्यान से देखना प्लीज, सेकंड क्वेश्चन को बस ध्यान से सुनना। आपके पास एक नेल है, ठीक है, एक नेल है। लेट अस सपोज ये एक नेल है, इस नेल को आपने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब U इज इक्वल टू 0। आपने ड्रॉप किया, ये नेल सैंड, नीचे सैंड है, तो U इज इक्वल टू 0 से नेल चली और सपोज H डिस्टेंस नीचे आई और सैंड में एंटर कर गई। अब जब वो हवा में एंटर कर रही है या गिर रही है तो फ्री फॉल में है, U इज इक्वल टू 0, और फाइनल वेलोसिटी जब वो इस सैंड को टच करती है, बोलो क्या होगी, क्या होगी वैल्यू? अंडर रूट ऑफ वी की वैल्यू क्या होगी? 2gh। अंडर रूट ऑफ 2gh। काइनेमेटिक्स किया था हमने, काइनेमेटिक्स में हमने क्या किया, काइनेमेटिक्स में ये किया, इस जर्नी के लिए वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 2gh, तो वी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 2gh। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब नेल किस में एंटर करती है? सैंड में। सैंड में जब वो नीचे एंटर करेगी तो उसकी स्पीड नीचे जाते जाते बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि सैंड इसके ऊपर क्या लगाएगा? अपोजिंग फोर्स, तो रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, तो रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा और फाइनल वेलोसिटी सैंड में इस नेल की क्या हो जाएगी? 0। गुड आउट इसमें। तो इसने हवा में डिस्टेंस ट्रेवल किया एच और सैंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स, राइट। जब ये सैंड में नेल मूव कर रही है, मान लो नेल कभी इंस्टेंट पर यहां पर है, तो कौन सी फोर्स नीचे लग रही है इसके पास? इसका वेट, और नेल का वेट क्या है? एमजी। और अपोजिंग फोर्स की वैल्यू यहां पर कितनी लग रही है? एफ। अपोजिंग फोर्स कितनी है? एफ। तो हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है? सैंड ने अपोजिंग फोर्स कितनी लगाई, राइट, क्लियर है? तो सैंड में जो अपोजिंग फोर्स लगेगी वो कितनी लगी? तो जब ये नीचे आ रही है तो ये क्या कर रही है? एक्सेलरेट के रिटार्ड, रिटार्ड क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो रही है, तो वेलोसिटी नीचे आते आते क्या हो रही है? कम। तो ब्रैकेट में लिख लूं, यहां पर यह बॉडी क्या हो रही है? रिटार्ड, सही है। अब ये बताओ कि जब ये नीचे आ रही है तो नीचे कौन सी फोर्स है? mg। ऊपर कौन सी फोर्स है? f। तो इक्वेशन क्या बनेगी? mg माइनस f, दिस इज द नेट फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स। बॉडी कहां पर है? नीचे। नेट फोर्स क्या होगा? मास इनटू क्या? एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन ही है, यहां पर रिटार्डेशन है, तो एक ही जगह क्या आएगा? माइनस से, बॉडी स्लो हो रही है। यहां से mg, mg माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस एम ए, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व करके एम जी प्लस एम ए। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? एम इंटू जी प्लस ए। अब क्वेश्चन के अंदर ए नहीं गिवन, अब ए की वैल्यू कोई कहता है कि यहां पर जी पुट कर दो, कितने लोग एग्री करते हैं? ए तो यहां पर जी है, यस कि नो? नो। वो क्यों? क्योंकि सैंड के अंदर एक्सेलेरेशन 9.8 थोड़ी ना होती है, सैंड में थोड़ी ना, कब होती है? जब आप फ्री फॉल में बॉडी को घेरते हो। तो आप एक काम करो, पहले ए निकाल लो तभी फोर्स आएगी। तो इसी जर्नी में अप्लाई करो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज 2 इंटू कितना? माइनस ए इंटू कितना? एक्स। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? सॉल्व करके आपके पास ए की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ रही है? 2gh डिवाइडेड बाय कितना? 2x। इस ए की वैल्यू को यहां पुट कर दें और ऑप्शन देखें, क्या ऑप्शन आ रहा है एबीसीडी में से, चेक कर लें कितना आ रहा है। इरा सी, ये देखो इसमें मैंने पुट किया, पुट करके कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के दिस इज योर आंसर। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, वैसे इस क्वेश्चन को लंबे तरीके से किया गया,
हम एक चैप्टर करेंगे वर्क एनर्जी पावर, उसकी शीट में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक लाइन में करेंगे। आपको क्या अभी क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फिजिक्स में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, पहला विद द हेल्प ऑफ फोर्स, दूसरा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो हमने अभी क्या कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है? फोर्स। तो सारी प्रॉब्लम किससे कर रहे हैं? फोर्स से। फिर सेम प्रॉब्लम आएंगी किससे करेंगे? एनर्जी से। एनर्जी से कोई भी प्रॉब्लम बहुत आसान होती है और बहुत छोटी होती है। तो ज़्यादातर लोग थोड़े दिनों में देखेंगे एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको टेक्निक्स दोनों आनी चाहिए, फोर्स एज वेल एज एनर्जी की। तो अभी फोर्स से कर रहे हैं, एनर्जी से भी करके दिखाऊंगा। तो अभी इस क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू करो 60 डिग्री, या एंगल जो है इसमें 60 डिग्री गिवन है। 60 डिग्री, कितने लोगों को डाउट है इसमें? कितनों का हो गया? संडे को फोर्स का टेस्ट है, तैयारी करना। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव शीट्स में से, एक्स्ट्रा बुक्स में से, उन्हीं का क्लियर होगा। बाकी लोगों तो ये नहीं समझ में आएगा कि टेंशन बनती कैसे है। रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए फोर्स के लिए, ये एक दिन में नहीं हो सकती। देखो इसके अंदर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये एक स्ट्रिंग है, ये दो स्ट्रिंग है और ये तीन स्ट्रिंग है। तीन स्ट्रिंग्स हैं, तीन स्ट्रिंग तीन टेंशन। देखो एक स्ट्रिंग एक टेंशन, दो स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन, तीन स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। तो यहां पर टेंशन T1 T1, यहां पर टेंशन T2 T2, यहां पर टेंशन T3 T3, और वेट बॉडी का कितना है? mg। अब वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम रेस्ट पे है, आराम कर रहा है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में रेस्ट में होने का मतलब क्या होता है? ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स, राइट। तो इस केस में ये टेंशन एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, लेकिन ये एक्स वाई प्लेन में। और जब टेंशन एक्स वाई प्लेन में होती है तो क्या करना होता है? कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स में T2 का कॉम्पोनेंट T2 cos 60 और एक T2 sin 60 बना लिया, ठीक है। ये गिवन है 60 गिवन होगा शीट में, ठीक है। ये मिसिंग वैल्यू थी, मैंने इसमें ऐड की है। अब ये बताओ कि ये बॉडी ना ऊपर ना नीचे जा रही है, ये मतलब ये जो जॉइंट है ना ऊपर ना नीचे जा रहा है, ये मास ना ऊपर ना नीचे जा रहा है। तो मास का नीचे की फोर्स क्या है? mg, और ऊपर की फोर्स क्या है? T3। तो बोलो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? T3 इज इक्वल टू mg। पहली इक्वेशन क्लियर है? नेक्स्ट, इस जॉइंट के लिए, इस जॉइंट के लिए ऊपर नीचे की फोर्स क्या है? T3। ऊपर की फोर्स क्या है? T2 cos 60। तो ऑब्वियसली ये और ये बराबर है, सेकंड इक्वेशन। फिर इसके लिए x और y x एक्सिस की फोर्स भी, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो लेफ्ट की फोर्स T1 है, राइट की T2 sin 60 है, ये भी इक्वेट होनी चाहिए। तो यहां से T3 बराबर है, इक्वेट करके T2 आ गया, और यहां से T1 किसके इक्वल है? T2 sin 60। T2 की वैल्यू जो ऊपर से निकाली वो नीचे पुट कर देनी और T1 की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? मेन चीज है डायग्राम, डायग्राम के बाद छोटी छोटी इक्वेशंस और फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व। मेथड समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं करना, फ्रिक्शन की गलती से प्रॉब्लम डल गई, छोड़ दें इसे, अगली बार स्टार्ट होगा फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट। फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि इकट्ठी दो फोर्सेस लग रही हैं, इधर से 2F इधर से F, और सिस्टम राइट मूव कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से पढ़ें, वो कह रहे हैं ब्लॉक्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट में है। फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन 2M, 2M के ऊपर फोर्स लगती है, यानी कि एम पे नहीं लगती। फिर वो कहता है कि फोर्स एम पे लगती है और 2M पे नहीं लगती। जब फोर्स 2M पे लगती है तो अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स है T1, जब फोर्स एम पे लगती है तो अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स है T2, जब फोर्स एफ 2M पे लगती है तो बॉडी राइट मूव करेगी, जब फोर्स एम पे लगती है बॉडी लेफ्ट मूव करेगी, और दो ब्लॉक्स की कॉन्टैक्ट फोर्स हमें निकालनी आती है निकालनी। तो आप फर्स्ट केस ये सॉल्व करेंगे T1 T1, सेकेंड ये सॉल्व करेंगे अंदर T2 T2, दोनों इक्वेशंस दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करके T1 T2 निकालेंगे और फिर इनकी रेशियो निकालेंगे T1:T2 आंसर। तो T1 और T2 की रेशियो निकालेंगे आंसर आएगा। मैंने किया नहीं, पर हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के क्वेश्चन किए हुए, राइट। ये ट्राई करना है जिनका नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट। 6 में क्या किया था याद है? रस्सी वाला क्वेश्चन। क्या
मैन वॉन्ट्स टू स्लाइड डाउन अ रोप, एक बंदा रस्सी के नीचे उतरना चाहता है। द ब्रेकिंग लोड ऑफ दिस रस्सी इज 2/3 ऑफ द वेट, किया था हमने कि रस्सी टूट जाएगी जब टेंशन कितनी हो जाएगी 2/3 ऑफ एम जी, तो इसमें 2/3 ऑफ एम जी। तो विथ वॉट मिनिमम एक्सलेशन वो फायरमैन नीचे स्लाइड करेगा? भाई अगर किसी बंदे रस्सी को नीचे उतरना है तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। अब मुझे पता है कि टेंशन की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है, 2/3 एम जी। अगर ये मैक्स है, ये कॉन्स्टेंट है, तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा ये वैल्यू शो करोगे उतना डिफरेंस छोटा आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आएगा, मिनिमम। तो अगर आपने लिखना है तो लिख लो कि अगर टी क्या होगा, मैक्स, तो ए क्या होगा, मिनिमम। अब आपको टी मैक्स तो गिवन है, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है सबको? हमने किया था इस टाइप की प्रॉब्लम, हमने ऑलरेडी की हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेवन्थ में डाउट, सेवन्थ में डाउट है, कितनों का हो गया, नहीं हुआ। देखो बॉडी ऑफ मास 2 kg, 2 kg की बॉडी है, और अकॉर्डिंग टू लॉ x of t का मतलब क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब x टाइम पे डिपेंडेंट है। तो x का जो भी फॉर्मूला आएगा उसमें टाइम जरूर आएगा, और दिख भी रहा है x के अंदर टाइम आ रहा है, आप मत लिखो तो भी चलेगा, x गिवन है, जिसमें p, q और r तीनों वैल्यूज गिवन है। तो सबसे पहले तीनों वैल्यूज को पुट कर लो, p की जगह 3, q की जगह 4, r की जगह 5, x आ गया। क्या निकालना है, फोर्स, कब, जब टाइम 2 सेकंड है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो क्या करेंगे, एक बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो v आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन करके पहले a आ गया, फिर a में टाइम को क्या पुट करेंगे, 2 सेकंड, तो किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। मास और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ में डाउट, एट्थ क्वेश्चन में डाउट, कैसे करेंगे, आंसर नहीं है, आंसर है आंसर बताता हूं, करना जरा ट्राई। P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर,
देखो एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास 150 ग्राम है, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, आप ग्राम में काम नहीं करते, आप केजी में करते हो, तो इसको 1000 से डिवाइड करना है। यू वेक्टर गिवन है और वी वेक्टर गिवन है, तो यू वेक्टर वी वेक्टर गिवन, दोनों वेक्टर में गिवन है, तो इसमें माइनस का चक्कर ही नहीं है। वेक्टर आ गया तो अब हमें हेडेक नहीं है कि इधर गई बॉल या उधर गई बॉल, डायरेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम होता क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम में क्या मैं ऐसा लिखूं, एम वी वेक्टर फाइनल मोमेंटम, एम यू वेक्टर इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है? एम कॉमन आ गया, क्या बचा? वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। क्लियर है यहां तक? मास आपको 150 ग्राम गिवन है, केजी भी बना लिया, वी वेक्टर गिवन है, यू वेक्टर गिवन है, दोनों में माइनस लगाया, जब ये माइनस लगा तो माइनस 4j और 4j कैंसल, आंसर आएगा आंसर। हाँ तो लोगों ने कहा आंसर नहीं आ रहा, ठीक है आंसर आ रहा है, जस्ट वेक्टर को माइनस करने दोनों के, हो जाएगा सॉल्व। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, 9th क्वेश्चन, क्या हमने किया हुआ है? किया हुआ है लग रहा है, किया हुआ है, देखो किया हुआ है। आपको याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था सूडो फोर्स में, क्या करवाया था ध्यान आगे प्लीज, मैंने यह करवाया था कि अगर मान लो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ एल है और इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की 0 है, तो नीचे आने की एक्सेलरेशन क्या है इस ब्लॉक की? जी साइन थीटा। तो लिफ्ट को छोड़ो, ये बताओ ये ब्लॉक कितनी देर में नीचे आएगा? एल इज इक्वल टू 0 + ½ × gt². गलत। क्या गलत? एल इज इक्वल टू 0 + ½ × क्या? gt² तो गलत है, जी साइन थीटा। भाई इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, देख यही आपके लिए लिख रहा हूं, गलत है ये, तो आपको फटाफट बोलना चाहिए सर जी नहीं है, यहां पर क्या आएगा? जी साइन थीटा, जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। टाइम की वैल्यू आ गई 2L डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा का अंडर रूट। ऐसा तब है जब इंक्लाइन प्लेन के अंदर ये जो बॉडी है वो नीचे आ रही है। अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन को लिफ्ट में डाल दूं और लिफ्ट नीचे आ रही है विद एन एक्सेलरेशन कितनी ए, तो आंसर में क्या चेंज आएगा? किया था ना एक शॉर्टकट, आंसर सेम रखना, जहां जी है वहां जी माइनस है आंसर। कोई डाउट इसमें? डन, आंसर किया हुआ है ये सूडो फोर्स में, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 किया हुआ है सूडो फोर्स में, याद है कितनी फोर्स से मैं इसे ए के साथ मूव करूं नीचे ना आए? क्या किया था? अगर यहां से ए है तो सूडो फोर्स पीछे है, में एम ए के कॉम्पोनेट्स है एम ए कॉस अल्फा और बॉडी नीचे आ रही है एम जी साइन अल्फा, अगर एम ए कॉस अल्फा एम जी साइन अल्फा के इक्वल है आंसर। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, सेम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट, 13th में, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ 1 in L। ये 1 in L का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। तो ये नोट लिख लें कि जब भी क्वेश्चन में 1 in 5, 1 in 4, 1 in 2, 1 in 7 और साइन थीटा की वैल्यू होती है, तो 1 in L का मतलब साइन थीटा 1/L। क्लियर है? ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कितनी एक्सलेशन इंपार्ट करें ताकि बॉडी स्टेशनरी रहे, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? चेक करो, ऑप्शन मार्क करो एक मिनट।
क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जिसके अंदर जो भी आंसर निकाला ना जी टेन थीटा, बस एंड में टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। साइन थीटा क्या मैंने वन एन एल पाइथागोरस, टेन थीटा क्या होगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस वन, पुट कर दो आंसर। चेंज का है, सेम क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, खत्म हो गया।